आजाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए किसी जाति किसी नस्ल लड़ाकू जनाना मर्दाना बकवास की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है कि वो एक हिंदुस्तानी है और अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर आप भी वेब सीरीज के दीवाने हो और इन 10 में से एक भी सीरीज को आपने मिस कर दी हो तो खुद को वेब सीरीज का दीवाना करना छोड़ दो भाई। आज की 10 की 10 वेब सीरीज एक से बढ़कर एक है और आपको तगड़ा मजा देने वाली है। 2020 में अब तक की 10 सीरीज आपके सामने लेके हाजिर है, तो फिर चलो देखते हैं आज की सीरीज का सीक्वेंस डेट के हिसाब से किया गया है। और थोड़ा मुस्कुराइए ना। अरे क्या हुआ, कोई मर गया क्या? नंबर 10 पर जनवरी 2020 में रिलीज हुई द पावर पैटर्न आर्मी आजादी के लिए। इस सीरीज को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हो। इसके टोटल 5 एपिसोड है और हर एक एपिसोड लगभग 30 से 40 मिनट का है। कहानी के बारे में बात करें तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की है। लेफ्टिनेंट सोडे और उसकी टीम आजादी के लिए लड़ते दिखाई पड़ते हैं। इस सीरीज को एक बार जरूर देख लेना क्योंकि हिस्ट्री के साथ साथ सोल्जर की कुछ यादें भी देखने को मिल जाएगी। सीरीज में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, एक्शन, प्यार, दोस्ती, कुर्बानी, सब कुछ। ये तो सिर्फ शुरुआत है। नंबर 9 पर है मार्च 2020 में रिलीज हुई असुर। इस सीरीज को उठ पर देख सकते हो। टोटल 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड लगभग 40 से 50 मिनट का है। कहानी की बात करें तो सीरियल किलिंग का झोला, लेकिन दिखता उतना आसान नहीं है। किसी को मारने से पहले चैलेंज करके और साइंटिफिक तरीके से मारना बहुत मुश्किल होता है। शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि इंसान की दो साइड होती है, दिखाने की अलग और दूसरी होती है डार्क साइड। जितनी सिंपल कहानी लगती है ना उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपको भी आपकी डार्क साइड देखनी हो और समझनी हो तो इस सीरीज को एक बार जरूर देखें। मेरी किस्मत इतनी खराब है ना, ट्रेन की टिकट निकलने जाता हूँ, मेरा नंबर आता है, खिड़की बंद, मेरे मुंह पे कहते हैं लंच टाइम। नंबर 8 पर है मार्च 2020 में रिलीज हुई समांतर। इस सीरीज को आप एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकते हो। टोटल 9 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 20 से 30 मिनट का है। समांतर में कहानी दिखाई गई है कुमार महाजन की। कुमार जिस तरह की लाइफ अभी जी रहा है उसी तरह की लाइफ सुदर्शन चक्रवर्ती नाम का इंसान जी चुका है। कुमार को फ्यूचर जानने के लिए सुदर्शन चक्रपाणी का पास जानना होगा और चक्रपाणी को ढूंढना होगा। इसी यूनिक कंसेप्ट पर बेस है समांतर। कुमार महाजन अपना फ्यूचर जान पाएगा या फिर नहीं, और भी कुछ मजेदार बातें देखने के लिए सीरीज में मिल जाएगी। नंबर 7 पर है मार्च 2020 में रिलीज हुई स्पेशल ऑफ। इस सीरीज को हॉटस्टार पर देख सकते हो। टोटल 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड लगभग 50 मिनट का है। अगर आपको एक्शन थ्रिलर सीरीज देखना पसंद हो तो भैया इस सीरीज को अभी के अभी वीडियो को स्किप और देख लो। फैमिली मैन के बाद असल मजा देने वाली है ये सीरीज। कहानी की बात करें तो एक ऐसा टेररिस्ट जिसे पकड़ने के लिए 19 साल लगा देते हैं हिम्मत सिंह और उसकी टीम, लेकिन उस नाम का कोई है या फिर नहीं है ये किसी को भी नहीं पता होता है। इस सीरीज को एक बार जरूर देख लेना। आपको हिम्मत सिंह यानी कि के मेनन सर की एक्टिंग इतनी अच्छी लगेगी कि आप दीवाने हो जाओगे उनके। तुम्हारी शहादत तभी कबूल होगी जब इस मिशन को तुम पूरी तरह से अंजाम दोगे। नंबर 6 पर है मार्च 2020 में रिलीज हुई स्टेट ऑफ सीज 26/11। इस सीरीज को आप Zee5 पर देख सकते हो। टोटल 8 एपिसोड और हर एक एपिसोड 30 से 40 मिनट का है। 2008 के मुंबई अटैक के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन इस सीरीज में जो दिखाया गया है ना ही सुना होगा और ना ही देखा होगा। प्लान बनाने वाले से लेकर उसके नतीजे तक सब कुछ दिखने को मिल जाएगा। और आपको कुछ ज़्यादा ही समझ आए तो इसके जिम्मेदार कौन थे एक कमेंट में जरूर बता देना। इतना बड़ा जड़ है कैसे दौड़ाएगा? तुम लोग साइंस वाइज पढ़ते हो कि नहीं? साइंस तो अमेरिका के लोग भी बहुत पढ़ते हैं। हम कितना बार टीवी पर देखे हैं कि ईसाई लोग के पंडित जी आके भूत को भगाता है, हालेलुया हालेलुया करता है। नंबर 5 पर है अप्रैल 2020 में रिलीज हुई पंचायत अमेजन पर मूवीज़। टोटल 8 एपिसोड और हर एक एपिसोड 30 से 40 मिनट का है। अभिषेक जो इंजीनियरिंग होने के बाद उसके हिसाब से अच्छी सी जॉब नहीं मिलती, लेकिन उसे पंचायत में सचिव का जॉब मिलता है और पहले दिन से ही गांव वाली प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है। और गांव वाली प्रॉब्लम का मतलब समझने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज को एक बार जरूर देख लेना, रियलिस्टिक एक्टिंग के दम पर सबको दीवाना कर देगी। हर वक्त आपको गांव का मजा देने वाली है ये सीरीज। नंबर 4 पर है अप्रैल 2020 में रिलीज हुई हसमुख। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। इसके टोटल 10 एपिसोड है और हर एक एपिसोड लगभग 30 से 40 मिनट का है। छोटे से गांव का हसमुख नाम का इंसान कई दिनों के मेहनत के बाद खुद का चैलेंज दिखाने का मौका मिलता है, मिलता नहीं छीन लेता है। और हर एक शो के पहले एक इंसान को अगर नहीं मारा तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ट देने के लिए फील आनी जरूरी है। और फील कैसे आएगी? किसी को मारकर। तो ऐसे कई सारे लोगों को मारकर स्टार बनता है, लेकिन चीज आपको मजा तब देती है जब हसमुख एक्टिंग करता है एकदम रियलिस्टिक एक्टिंग। ऐसा लगेगा कि अभी हसमुख पुलिस के पास जाएगा, आपको सरेंडर कर देगा। ऐसे करते करते सीरीज का एंड आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। नंबर 3 पर है मई 2020 में रिलीज हुई पाताल लोक। इस सीरीज को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हो। टोटल 9 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 40 से 50 मिनट का है। इस सीरीज के बारे में मैं क्या बताऊँ, खुद अपना अपना देखना चाहते हैं। पॉलिटिक व्यू अलग सा, पुलिस डिपार्टमेंट अलग, और इन सब के बीच में फंस जाते हैं ये चारों और एक हाथीराम। एक वक्त ऐसा लगता है अब आगे कुछ नहीं है, तभी अचानक से आपको नई कड़ी मिल जाएगी
और ऐसे करते करते सीरीज खत्म हो जाएगी और आखिर में कौन कौन और क्यों लाचार बनते हैं ये सब भी आपको देखने को मिल जाएगा। असल कहानी कुछ होती है और एंड में असल कहानी का असली पता चलता है, कैसे कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए कई सारे लोगों का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। नंबर दो पर है मई 2020 में रिलीज हुई बेताल। इस सीरीज़ को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। टोटल 4 एपिसोड है, हर एक एपिसोड 50 मिनट का है। कहानी है ट्राइबल विलेज की, जहाँ पर बहुत पुराना बंकर है। गांव उसे खोलने नहीं देता और कुछ पैसों के लालची ठेकेदार उसे खोलने लगते हैं और खोलने के बाद वहाँ से ही असल कहानी स्टार्ट होती है। ब्रिटिश सोल्जर जो कि अब जॉम्बी बन चुके हैं सबको एक एक करके खत्म करने लगते हैं। कुछ चंद लोगों की वजह से और पैसों के लिए सबको भुगतना पड़ता है। इस सीरीज को देखने के बाद गलत कौन था या फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा चलता है और उसका जुर्माना सबको भुगतना पड़ता है। नंबर एक पर है जून 2020 में रिलीज हुई आर्या। इस सीरीज को आप हॉटस्टार पर देख सकते हो। टोटल 9 एपिसोड है, हर एक एपिसोड लगभग 50 से 60 मिनट का है। कहानी का मेन मोटिव है आर्या नाम की एक ऐसी औरत जो अपने बच्चों के लिए किसी से भी भिड़ सकती है, ड्रग माफिया से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट तक। सिर्फ इतना ही नहीं, घर वाले भी सबको जवाब देना पड़ता है। आर्या का रोल प्ले किया है सुष्मिता सेन ने, जो कि बीच बीच में आपको टॉर्चर करेगा, लेकिन उतना वो डिजर्व करती है क्योंकि उनका कमबैक परफेक्ट था। दोस्तों ये थी आज की टॉप 10 वेब सीरीज। अगर आप में से किसी ने भी इस सीरीज में से एक भी सीरीज को मिस किया हो तो अभी के अभी देख लो, क्योंकि ऐसी मजेदार सीरीज कम ही बनती है। इनमें से आपने कौन कौन सी वेब सीरीज देखी है ये कमेंट में जरूर बता देना, और लगे हाथ वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बता देना। बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।